दोस्तों अगर आप लोग यूज करते हो Realme X7 Pro का डिवाइस तो यहाँ पर आप लोग के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि फाइनली Realme X7 Pro के लिए Realme UI 3.0 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से अपडेट के बारे में जान लेते हैं, अभी कितने यूजर को मिला, सब लोगों को अब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ऑल पे पिक कर देना। अब यहाँ पर बात करें Realme X7 Pro की, तो यहाँ पर आप लोग के लिए अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए Realme UI 3.0 का अपडेट, वो भी गाइस यहाँ पर स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर Realme UI 3.0 के सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। स्टेबल अपडेट है तो काफी अच्छा अपडेट होने वाला है। ऑफिशियल वर्जन है यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है Realme UI 3.0 का। इस अपडेट में मिल जाएगा आप लोगों को लगभग 1.5 GB की साइज, 1.24 GB की साइज मिलती है। Android 12 का अपडेट मिलता है और इसका जो बिल्ड नंबर है 11.f.06 का देखने के लिए मिल जाता है। तो लेटेस्ट बिल्ड नंबर है और मैं आपको बता दूं ये अपडेट स्टेबल अपडेट है। तो ये जो अपडेट है अभी फिलहाल के लिए कुछ ही रेंडम यूजर को देखने के लिए मिला है। तो अगर आप लोग अभी जाकर सबसे पहले जल्दी चेक करोगे तो शायद आप लोग को भी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर जिनको नहीं मिलता तो इंतजार करना पड़ेगा आप लोग को थोड़े दिन, क्योंकि यहाँ पर ये अपडेट बैचेस में देखने के लिए मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर अच्छी न्यूज है कि यहाँ पर फाइनली अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैसे ये सभी यूजर को फिर से मिलना स्टार्ट होगा तो मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना और वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।